अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। इस वक्त मौजूद हूँ मैं इस्लामाबाद में। आप देख सकते हैं एक ऐसी गाड़ी बनाई गई है जो पीछे से गाड़ी है लेकिन आगे से वो हैवी बाइक की लुक दे रही है। इस पर कुल लागत 9.5 लाख रुपए आई है। इसके आगे ये जो आप बाइक देख रहे हैं हैवी बाइक टाइप, इसको लोडर कहा जाता है। जो लोडर रिक्शे आपको बाजारों में, गलियों में, मार्केट्स में और सड़कों पर चलते हुए नजर आते हैं, इसको 2.5 लाख रुपए में लिया गया। जबकि इसका जो पीछे वाला हिस्सा है, ये फोक्सी गाड़ी जो पुरानी गाड़ियां होती थी जिसको उर्फे आम में डड्डू गाड़ी भी कहा जाता था, उसको 1,25,000 में खरीदा गया, कटवाया गया और उसको इस लोडर के साथ जोड़ दिया गया। कलर इंतहाई खूबसूरत, फंकी और बड़ा शाइनी सा है, जिसके अंदर आपको 50,000 रुपए का एक साउंड सिस्टम भी लगा हुआ नजर आ रहा है। जिस मैकेनिक ने इस गाड़ी को बनाया है उसने अल्ट्रेशन के 4.5 लाख रुपए लिए। इसके साथ साथ जो इसकी पोशिश है वो बड़ी खूबसूरत व्हाइट और रेड एक रॉयल लुक में बनाई गई है। अगर इसके आप हेडलाइट देखें, इसके अलॉय रिम देखें और पिछले टायर देखें तो वो 50,000 रुपए में खरीदे गए। शौक का कोई मोल नहीं है। ये जब भी इस गाड़ी को लेकर बाजार में निकलते हैं तो लोग अश अश कर उठते हैं और जो एक सशका और एक फंकी स्टाइल है वो भी देखने में नजर आता है। आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी पावरफुल है, पता नहीं कोई 5,000 cc होगी या 3,500 cc होगी। तो जनाब सिर्फ ये 150 cc है जो कि लोडर की पावर है। और हैंडल के ऊपर किस तरीके से खूबसूरती से स्टील को लगाया गया है, जबकि पिछला बोनट जो है वो भी स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। अनकरीब मुझे लगता है ये किसी फिल्म या किसी ड्रामे के शूट में भी इस्तेमाल हो सकती है। नाम दिया गया है इसको वॉक्सवैगन का। अगर मैं इसकी पेट्रोल कंजप्शन की बात करूं तो ये 20 से 25 किलोमीटर का सफर 1 लीटर में आसानी से तय कर लेती है। बैठने की कैपेसिटी जो है 2 लोग पीछे बैठ सकते हैं, एक शख्स जो है वो ड्राइविंग सीट पर बैठकर इस लोडर को चलाता है। इसमें 5 गियर हैं। जिस तरीके से लोडर में या बाइक में 4 गियर होते हैं जो कि आगे की तरफ या फॉरवर्ड होते हैं, एक गियर इन्होंने मैन्युअली लगाया है जिसको आप देख सकते हैं, उसको पीछे करने से ये गाड़ी रिवर्स भी हो जाती है। इसके टायर और अलॉय रिम देखें कितने सूरत हैं, जो कि स्टील और गोल्डन कलर में मिलकर रेड एंड व्हाइट को मजीद इनहेंस करते हैं। इंडिकेटर्स जो हैं राइट लेफ्ट पर आप वो भी देख सकते हैं। किसी भी किस्म के एक्सीडेंट या हादसे से बचने के लिए प्रोटेक्शन लगाई गई है इन 2 बड़े पाइप्स की सूरत में, जो कि लेफ्ट और राइट नी को प्रोटेक्शन फराहम करते हैं। गाड़ी को गड़ों या टूटे फूटे रस्तों पर चला लें उसके लिए इन्होंने बाकायदा तौर पर एक बड़े शॉक्स लगाए हैं, जिसको स्प्रिंग भी कहा जाता है, जो कि कम्फर्ट फराहम करते हैं चलाने वाले को। कितनी लागत आई आपको इसमें बनाने में? ये तकरीबन 9.5 लाख रुपए लागत आई इसको बनाने में। लोडर कितने का लिया? लोडर 2.5 लाख का लिया। और ये जो पीछे फोक्सी या डड्डू गाड़ी जिसे कहते हैं, ये 1,25,000 की मुकम्मल ली थी, फिर इसको कटवा के और इसको डिजाइन करवाया। अल्ट्रेशन के कितने पैसे लगे? अल्ट्रेशन के 4.5 लाख रुपए लगे हैं। अलॉय रिम और टायर कितने के बनवाए? 50,000 के ही आए हैं। ये मैं पोशिश बड़ी खूबसूरत इसकी देख रहा हूँ, ये कहाँ से करवाई है? ये भी यहीं से करवाई है, ये तकरीबन 40,000 की पोशिश हुई है इसकी। और साउंड सिस्टम कितने का लगा? 50,000 का साउंड सिस्टम लगा है। कुल मिलाकर कितनी आपकी लागत आ गई इस पर? ये तकरीबन 9 से 9.5 लाख के दरमियान आ गई। जब चलाते हैं तो इर्द गिर्द तो बहुत सी आवाम इकट्ठी हो जाती होगी। ये बस मुझे एक शौक था तो इसलिए मैंने ये इसको बनवाया, डिजाइन करवाया। तो जहाँ पे भी लेके निकलते हैं लोग खड़े हो जाते हैं, सेल्फियां बनाते हैं, पूछते हैं भाई कैसे, कितनी लागत आई, क्या बना, वो सारा हम इनको बताते हैं। फिर तो जब आप गाड़ी चलाते हैं पीछे से तो लोग समझ रहे होंगे कि ये कोई फोक्सी गाड़ी जा रही है, लेकिन आगे जाते हैं तो वो बाइक होती है। बड़ी दफा ऐसे हुआ है कि लोग आते हैं पीछे से देखते हैं इसको, ये गाड़ी जा रही है, जैसे ही आगे देखते हैं वो देखते ही रह जाते हैं कि यार ये क्या, पीछे गाड़ी आगे बाइक। कोई अपनी गर्लफ्रेंड को भी घुमाते फिराते हैं बड़ी फंकी? नहीं, माशाल्लाह शादीशुदा हूँ, बच्चे हैं मेरे अपने, तो इस तरह को कोई सीन नहीं है। ऐसे घुमाते हो, पता ना चलने देते हो? नहीं, ये बच्चों को ही आगे पीछे घुमाने के लिए लेके जाते हैं बस। तो बच्चे तो बड़े खुश होंगे ऐसी गाड़ी, तो मेरा ख्याल है कोई लेमोजीन मर्सिडीज या जिन लोगों के पास ऑडी भी है वो भी इस सशके को तरसते हैं। जी बिल्कुल, ये लेमोजीन ऑडी V8 जो भी रोड से गुजरती है वो भी लोग देखते हैं इसको। पेट्रोल कितना डलता है इसमें? इसमें तकरीबन डलता है 15 लीटर। इंजन की भी कोई अल्ट्रेशन करवाई है वैसे की वैसी है? नहीं, इंजन एज इट इज है, बस रिवर्स की थोड़ी सी अल्ट्रेशन कराई है। खूबसूरत से आप पैड भी देख सकते हैं जहाँ पर ये बड़े कंफर्ट के साथ ब्रेक लगाते हैं, बच्चे जो हैं वो बड़े खुश होते हैं इनके साथ, और कलर बड़ा फंकी है, बड़ा मजे का है। इसके साथ साथ एक रिक्शे की भी लुक दे रही है। अगर आपके पास भी कोई हैरत अंगेज कलेक्शन, मोटिवेशनल स्टोरी या मुनफरिद टैलेंट है तो आप डेली पाकिस्तान पे हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। हम आपकी इन तमाम स्टोरीज को डेली पाकिस्तान पर दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। अपने मेजबान यासर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।